नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स 2.0 में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सर्विस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि टेलीग्राम पे वेरीफाइड सर्विस है, जिसका नाम है टेलीग्राम एनालिटिक्स सर्विस। इसका क्या मतलब है, यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि टेलीग्राम विश्लेषणात्मक सर्विस। अब भी आपको शायद अभी ये समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मेरे को भी यहाँ पे पहली बार में जब मेरे को इसके बारे में पता लगा था तो मेरे को रिसर्च करनी पड़ी थी इसके ऊपर। अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है और इसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चैनल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को ग्रो करने में। और आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम देख सकते हैं इसका, telemeter.io, ये वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एग्जैक्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और कितने सब्सक्राइबर्स गिरे हैं, व्यूज पर पोस्ट, यहाँ पे इन्होंने सारी यहाँ पे बताया हुआ है सारा एनालिटिक्स हमारे टेलीग्राम चैनल का। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए क्या होता है, जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये बॉट है। इस बॉट को आपको स्टार्ट करना होगा अपने टेलीग्राम अकाउंट पे जाके, जो कि आपको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, ये बॉट जिसको मैं ऑलरेडी अपने ओरिजिनल अकाउंट से कनेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसे यहाँ पे अपने दूसरे अकाउंट से यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो ये मैंने बॉट को यहाँ पे स्टार्ट किया, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो आप वेबसाइट पे यहाँ पे लॉग इन हो जाओगे। मैं ना पहले आपको अपना चैनल दिखाता हूँ इसी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इनके पेज पे जहाँ पे इन्होंने टेलीग्राम चैनल्स को रैंक किया हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम टिप्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है जिसपे 8.77 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इस पे प्राइवेट चैनल्स भी यहाँ पे लिस्टेड है जिनके 16.28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने माई चैनल सेक्शन में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने चैनल को ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। मेरे चैनल को ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरा पूरा डाटा, एक यहाँ पे पूरा एनालिसिस मेरे चैनल का यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने एग्जैक्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बताया और इसने मेल और फीमेल का रेशियो तक मेरे को बताया कि मेरे चैनल के अंदर 61% मेल्स हैं और 39% फीमेल्स हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ये माइक लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि 52% जो ऑडियंस है मेरी, उसने मेरे चैनल को अनम्यूट करके रखा हुआ है। यानी मेरे चैनल पे जब भी कोई कंटेंट पोस्ट होता है, मैं किसी मैसेज को पिन करता हूँ, तो वो डायरेक्ट उन 52% लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है उनके डिवाइस के अंदर। यानी कि लगभग 10 या 11 हजार लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन जाती है मेरे चैनल से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टोटल सब्सक्राइबर्स अभी के लिए यहाँ पे हैं 20,20,545। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन ग्रोथ कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे 427। 7 दिन में मेरे किसी पोस्ट पे कितने व्यूज आते हैं, लगभग 5,000। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 7 व्यूज यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज। ईआर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 23 है जो कि काफी अच्छा है। मेरी कैटेगरी देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम है, और मेरी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे इंग्लिश है, और जियो लोकेशन इंडिया है। ये सब इसने खुद ही डिफाइन किया हुआ था पहले से ही, मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए रहे। लेकिन और ये जो डाटा इसने लिया हुआ है सारा डाटा ठीक है। और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो चैनल सेटिंग्स में जाना और यहाँ पे आप अपने कंटेंट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सेक्शन है हाइड डिलीट चैनल पोस्ट, अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे तो इसमें पता है क्या है, अगर आपने अपने टेलीग्राम चैनल पे कोई चीज पोस्ट करी, कोई भी मैसेज या आपने कोई टेक्स्ट टाइप करा और आपने उसे डिलीट कर दिया, तो आपको वो विजिबल होगा इस वेबसाइट के ऊपर। किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है, और मैं एक बार अपने चैनल को यहाँ पे ओपन करता हूँ एक नए पेज के अंदर। तो मैंने अपने चैनल को यहाँ पे ओपन किया तो ये मेरे यहाँ पे अभी डाटा को लोड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पूरा एनालिटिक्स मेरा आ चुका है, मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स किस तरह से यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, इसने पूरा मेरे को एनालिसिस दिया है। इसको हम नीचे कर, उसके बाद ऑडियंस लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरी जो 98% ऑडियंस है वो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर लाइफ टाइम ऑफ चैनल, मतलब जब से आपका चैनल बना है तब से लेके आपके सब्सक्राइबर्स को इतने बेस पे टिके हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे जो मेरे ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन वाला पार्ट है अप टू 3 मंथ्स, यानी 59% जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को पिछले 3 महीने से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और वो अब मेरे चैनल को लीव करके नहीं गए हैं। सोर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किस तरह से गेन कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे आप पूरा एनालिसिस है मेरे चैनल का। और ये देखो यहाँ पे मेरे चैनल्स की सारी पोस्ट है जो मैंने यहाँ पे पोस्ट करी हुई है अब तक, और यहाँ पे जो डिलीटेड मैसेजेस आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो वाला फीचर मैंने टिक किया होता, तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे चैनल्स की जो पोस्ट मैं डिलीट कर चुका हूँ ना वो विजिबल नहीं होंगी किसी भी यूजर को। अगर मैं उस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ ना, अनचेक कर देता हूँ, तो मेरे चैनल्स की जो डिलीटेड पोस्ट हैं, जो जिन्हें मैं पोस्ट करके डिलीट कर चुका हूँ, वो भी यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। और मैं उसको अनटिक ही रखना चाहूंगा ताकि कोई भी यूजर मेरे प्रो चैनल्स के डिलीटेड मैसेजेस को यहाँ पे ना देख सकते। पोस्ट सेक्शन में आके आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे पूरे टाइम का आपको दिखाता हूँ,
जब से मैंने ये चैनल बनाया है तब से लेके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट में कितनी डाल, तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट पर डे, तो ऑन एन एवरेज में 7 पोस्ट डालता हूँ अपने चैनल पे। तो यहाँ पे मैं अपने मेंशंस दिखा सकता हूँ। मेंशंस का क्या फायदा, पता है इसका फायदा क्या, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आपके चैनल को कोई भी किसी और ग्रुप के अंदर या चैनल के अंदर टेलीग्राम पे कहीं पे भी मेंशन किया जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि आपको मेंशन किया गया है, आपके चैनल को मेंशन किया गया है। किस तरह से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेंशंस वाले में आ गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल में लिखा हुआ है 244 चैनल्स के अंदर, अलग चैनल्स मेरे चैनल को छोड़ के उन चैनल्स के अंदर मेरे को मेंशन किया गया है, और एक चैनल के अंदर मेरे चैनल से पोस्ट को फॉरवर्ड किया गया है, फॉरवर्डेड फ्रॉम चैनल 1। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये रहा जिन चैनल्स ने मेरे चैनल को यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पुराने टाइम से देखते हैं तो सबसे पहले मेरे को बादशाह स्टूडियोज ने यहाँ पे मेरे चैनल को मेंशन किया था, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो पोस्ट भी मिल जाएगी। तो देखो इन्होंने ये किया था, आ टेलीग्राम फाइल टू लिंक बॉट विद बोट डाउनलोड एंड स्ट्रीम लिंक सपोर्ट, ठीक है, स्पेशल थैंक्स टू ग्रे मैटर्स। तो इन्होंने जैसे ही मेरे चैनल को यूजर नेम डाला वो इस वेबसाइट ने कैच कर लिया और उसको यहाँ पे डाटा में स्टोर कर लिया। तो इस तरह से एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस आप उस पे पोस्ट पे कितने व्यूज आए थे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1.13 के यूजर्स ने इस पोस्ट को देखा था उस टाइम पर, कब, 3 मई 2022 को। फिर हम एक्टिविटीज में आ जाते हैं एक बार सेक्शन में, ठीक है। तो मैं बस आपको यहाँ पे ओवरऑल दिखा रहा हूँ। एक्टिविटीज में देखो यहाँ पे व्यूज है पूरा, यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। पूरा एनालिसिस आपको आपके चैनल का यहाँ पे मिल जाता है। आर्ली व्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज कौन से टाइम पे आते हैं। तो मैं, और ये क्या है, चैनल नोटिफिकेशंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कितने चैनल मतलब सब्सक्राइबर्स ने मेरे चैनल को म्यूट और अनम्यूट किया हुआ है। तो जो रेड वाली लाइन है वो दिखाती है म्यूटेड चैनल्स को, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो दिखाती है अनम्यूटेड यूजर्स को, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चैनल का पूरा एनालिटिक्स कि कितने यूजर्स मेरे किस हिसाब से ऑनलाइन है मेरे चैनल पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन में अभी करंटली जो ऑनलाइन है वो 0.5% यूजर्स हैं, वॉज ऑनलाइन रिसेंटली जो मेरे यूजर्स हैं। तो यहाँ पे मेरी लगभग 80% यूजर्स एक्टिव यूजर्स हैं मेरे चैनल के ऊपर। और ये जो इतना अच्छे से रेशियो निकाल पा रहा है वो सब इसलिए क्योंकि मैंने इनके इनका जो वेबसाइट का बॉट है, यूजर बॉट वगैरह, उसको अपने चैनल के अंदर एडमिन बनाया हुआ है। इस कैसे एडमिन वगैरह बनाते हैं वो सब मैं आपको आने वाले अपनी नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा, जब मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा बता दिया है कि आप इस वेबसाइट को, ये वेबसाइट क्या है, किस लिए यूज होती है टेलीग्राम एनालिटिक्स सर्विसेज। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं अपने आने वाली वीडियोज के अंदर इस सर्विस का पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सर्विस क्या है, इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए और टेलीग्राम पे एडवर्टाइजमेंट्स रन करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।